हेलो फ्रेंड्स, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे और कल होली के मस्ती के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ खास। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होली और होलिका दहन के दिन आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप पूरे वर्ष भर हंसी खुशी बिता सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मस्ती के लिए ले चलती हूँ मेले में। लास्ट नाइट हम गए थे मेले में, वहाँ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, तो उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर एक से एक बढ़कर चीज मिल रही थी। क्रॉकरी आइटम थे, सेरेमिक के आइटम थे, बच्चों के खिलौने थे, कपड़े थे और यहाँ पर खादी की भी कुछ चीजें मिल रही थी। इस मेले में बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी खिलौने की थी और बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक आइटम भी मिल रहे थे। ये एक स्टॉल था जहाँ पे मैंने थोड़ी सी परचेजिंग की है। ये स्टॉल जो था वो कह रहा था कि सिर्फ 10 रुपये में आप कोई सा भी सामान ले जाइए। बिलीव नहीं हो रहा था कि 10 रुपये में आप कोई सा भी सामान यहाँ से ले जा सकते हैं। मैंने ज़्यादा परचेजिंग नहीं की, सिर्फ एक दो क्लिप ही यहाँ से परचेज की थी। इस तरीके के शॉप पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, क्योंकि यहाँ पर सामान जो है थोड़ा सस्ता मिल रहा था। और देखिए, यहाँ पर अचार की भी एक से एक वेराइटी यहाँ पर अवेलेबल है। इस साइड में बच्चों के खिलौने हैं, जिन्हें देख करके बच्चे अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। दोनों तरफ दुकानें थी, खिलौने की, खाने की और निशाने लगाने की। और एक जगह ना कुल्हड़ पिज्जा भी मिल रहा था। यकीन मानिए, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही इसका नाम सुना, कुल्हड़ पिज्जा। देख करके थोड़ा अजीब लगा तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया। यहाँ पर पान की एक से एक वैरायटी हम लोगों को देखने को मिल रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद राइड्स का पूरा एरिया आ गया था। अब श्रेया को उन राइड्स पर बैठना था, तो सबसे पहले उसने चूज किया इस बड़ी वाली चरखी पर। मैंने तो कहा मैं नहीं जाऊंगी, वो अपने पापा के साथ इस चरखी पर बैठी। जब श्रेया चरखी से उतर गई तो मेरे को जिद करने लगी इस बड़े वाले नाव पर बैठने के लिए। तो मैं और श्रेया दोनों गए इस नाव पर बैठने के लिए। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बचपन में तो इन सब झूलों पर हमने बहुत झूला है, तब डर नहीं लगता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ था कि इसमें कई सीटें अभी खाली थी। पहले हम बीच वाली सीट पर ही बैठे थे, लेकिन श्रेया ने जिद की तो मैं थोड़ा पीछे जा करके बैठ गई। अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक हम दूसरे झूले का आनंद ले रहे थे। यहाँ पर ये जो झूला आप देख रहे हैं, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। पहले तो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ऊपर की साइड में ये थोड़ा थोड़ा राउंड घूमने लगा, तब लोग बहुत शोर करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो झूला खुल करके ये नीचे गिर जाएगा। मुझे तो देख के इसमें डर लग रहा था, मैंने तो इससे जाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जहाँ हम बैठे थे वहाँ से ना सभी झूले बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे थे, तो मैंने सबकी रिकॉर्डिंग की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमारा झूला भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं फोन को यहाँ पर बैग में रख ले रही हूँ, क्योंकि फोन मेरा गिरने वाला था। नाव वाले झूले से उतर करके हम मेले में चक्कर लगाने लगे कि शायद कोई अच्छी चीज दिखे या फिर कोई और अच्छा झूला दिखे जहाँ पर श्रेया को हम बिठा सके, बट ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो श्रेया ने फिर इसमें जाने की जिद की, तो हमने श्रेया को इसमें भेज दिया। उसके बाद जब मेरा बेटा जग गया तो मैंने सोचा कि चलो उसे भी एक राइड करा देती हूँ। ये उसकी फर्स्ट राइड है जो उसने ड्रैगन ट्रेन पे की, तो उसे बहुत मजा भी आ रहा था और उसने बहुत एंजॉय किया।
इस तरीके से हमने मेले में बहुत एंजॉय किया। अगर आपके घर के आसपास भी इस तरीके का मेला लगता है तो उसमें जाइए, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। ड्रैगन ट्रेन से उतरने के बाद हमने ये ट्राई किया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये क्या चीज है। यहाँ पर मैंने कैरमल पॉपकॉर्न लिया क्योंकि मुझे ये बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था, तो मुझे मेले में मिला तो मैंने यहाँ पर इसे ले लिया और इसे खाते खाते ही हम घर के लिए वापस निकल पड़े। रिटर्निंग के टाइम पर जो गन शूट की जो दुकान थी ना, वहाँ पे श्रेया ने भी थोड़ा सा ट्राई किया और उसके जस्ट बगल में कुछ लड़के रिंग से निशाना लगा रहे थे और उनका निशाना बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। तो यहाँ पर श्रेया की भी बारी आ गई है, उसने भी 2-3 बलून को अच्छे से शूट किया। ज्यादा शॉपिंग तो हमने मेले में नहीं की, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग ही की। और इधर का जो स्टॉल है वो सिर्फ खादी कपड़ों से ही बना हुआ है। इस साइड में जितने भी शॉप है उन सब पे सिर्फ कपड़े कपड़े ही मिल रहे थे। तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, ज्यादा भीड़ राइट के साइड में और खाने पीने वाले स्टॉल पर ही थी। इस स्टॉल पर तरह तरह की नमकीन भी मिल रही थी, एक से एक वैरायटी के यहाँ पर नमकीन थे, कोई मटरी शेप में, कोई काजू शेप में, कोई मैगी रिंग्स, पता नहीं क्या क्या सबके नाम थे। और इस मेले में खाने पीने खिलौने कपड़े के अलावा भी ना कुछ लकड़ी के आइटम भी थे और यहाँ पर एक से एक कारपेट भी मिल रहे थे, लेकिन वो थोड़े महंगे लग रहे थे मेरे को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। रिटर्निंग के टाइम पर हमने ऑटो ना लेकर के बस में ट्रैवल किया। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोकल बस में ट्रैवल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको होलिका और होली के कुछ टिप्स बताऊंगी, तो सबसे पहले होलिका जब भी हम जलाते हैं तो उसमें आप 5 लौंग, 5 इलायची और 5 कपूर लेकर के होलिका के साथ जला दें और वहाँ पे से अगर आप बहुत सारा राख लेकर के आ सकते हैं तो उसे अपने घर के चारों ओर छींट दें। इससे आपका घर पे लगी हुई बुरी नज़र हट जाएगी। अगर आप थोड़ी सी राख लेकर के आते हैं तो उससे आप बच्चों की नज़र भी उतार सकते हैं। जब भी आप होली खेलने जाएं तो उससे पहले अपने पूरे शरीर पर और अपने बालों पर नारियल का तेल जरूर लगा करके जाएं। इससे जो भी कलर के रिएक्शन होते हैं वो आपके स्किन पर नहीं होंगे। होलिका दहन के दिन यानी कि आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जरूर जलाएं और उसके नीचे थोड़ा सा गुलाल छींट दें और होलिका माता से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। अगर आपके चेहरे पर होली का रंग बुरी तरीके से लग चुका है तो उसे हटाने के लिए बेसन और खट्टा दही मिला करके लगाएं, इससे सारा कलर अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आप सभी को मेरी तरफ से एक बार हैप्पी होली। Take care. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.